हेलो गाइस, मैं रोज। तो आज मैं एक्सप्लेन करूँगी रूरल सोशल स्ट्रक्चर। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे जो नोट्स है वो आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। तो ये जो स्टार्टिंग का कुछ नोट्स है वो मैंने गूगल से लिया है, मतलब शायद योर्स लाइब्रेरी से। बाकी उसके बाद मेरे मतलब खुद के है, मैंने बुक वुक से देखा है। तो एनीवेज, तो मैं हिंदी में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ओके, तो प्रत्येक सोसाइटी का कुछ यूनिट्स रहता है और वो यूनिट सोशल सेटअप और सोशल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ओके, लाइक इंडियन विलेज में क्या है, प्रत्येक जो विलेज है उसका डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर है ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन या फिर उनके कल्चरल एस्पेक्ट के बेसिस पे। प्रत्येक विलेज का अगर देखोगे तो आइडियाज़, बिलीव्स, वैल्यूज या फिर फेथ डिफरेंट होता है एक दूसरे से। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग पांच सोशल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, दैट इज़ फैमिली, कास्ट स्ट्रक्चर, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजन एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, तो लेट्स सी व्हाट इज़ फैमिली। तो फैमिली जो है वो इंडियन सोशल स्ट्रक्चर का सबसे बेसिक यूनिट है या फिर प्राइमरी यूनिट है। तो फैमिली से हम लोग जो बेसिक जो सोशलाइजेशन है या फिर सोशल कंट्रोल है वो सब हम लोग फैमिली से सीखते हैं कि सोशलाइजेशन कैसे होगा एक बच्चे का, हम लोग सोशलाइज कैसे होते हैं वो हम लोग कहाँ से सीखते हैं, फैमिली से सीखते हैं। फैमिली लाइक बहुत ही बेसिक यूनिट्स है। तो यहाँ पे फैमिली का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है, जैसे कि पैट्रियार्कल फैमिली स्ट्रक्चर, जैसे कि इंडिया में हम लोग देख सकते हैं रूरल एरिया में क्या रहता है पैट्रियार्कल के फैमिली स्ट्रक्चर, लाइक क्या बोलूँ मैं, फादर का रूल होता है उस टाइप का फैमिली स्ट्रक्चर, जॉइंट फैमिली सिस्टम। अगर आप देखोगे तो पूरा परिवार एक साथ रहता है, एक्सटेंडेड फैमिली स्ट्रक्चर लाइक कजन वजन सब कुछ। ओके, तो फैमिली इज द बेसिक सोशल यूनिट ऑफ इंडियन रूरल सोसाइटी। ओके, द नेक्स्ट इज कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम को पता है कि क्या है, कास्ट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा लाइक स्ट्रॉन्ग है इंडियन रूरल स्ट्रक्चर में, लाइक इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, चाहे वो फंक्शनल स्टेटस के बेसिस में हो, ऑक्यूपेशन रोल या फिर सोशल पोजिशन सोसाइटी में हो, कास्ट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडियन कास्ट सिस्टम का जो ऑरिजिन है वो हम लोग आर्यन के टाइम से देख सकते हो। ओके, लाइक जिन्होंने आके जो कास्ट सिस्टम है उसको बढ़ावा दिया था, और आर्यन ने ही लाइक डिविजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी का लाइक बढ़ावा दिया था। इट्स अ वेरी लाइक वास्ट डिफरेंट टॉपिक। तो ये सेकेंड पॉइंट रहा कास्ट सिस्टम। ओके, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि कास्ट का डिफरेंट रूल्स है, जैसे लिमिटेड टू पर्सन बॉर्न विद इन कास्ट, जो आप जिस कास्ट के हो आपको उसी कास्ट के मतलब रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है एंडोगामस ग्रुप, लाइक आपके ग्रुप के अंदर ही आपको शादी करना पड़ेगा। डिटरमाइन ऑक्यूपेशन, आप जिस कास्ट के हो उसी बेसिस पे आपको ऑक्यूपेशन करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ लेट्स सी व्हाट इज इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। इज बेसिकली लाइक द सोशल एंड इंडिविजुअल लाइफ ऑफ पीपल इन अ पर्टिकुलर विलेज। एक प्रत्येक विलेज में एक पंचायत होता है और पंचायत का एक हेड होता है जिसको हम लोग शायद सरपंच बोलते हैं। एंड सरपंच को जो चूज़ किया जाता है, जो विलेज के सबसे ओल्ड या फिर सबसे बड़े मेम्बर है उनके लाइक मतलब उनके डिसीशन को सम्मानित करते हुए उनको चूज़ किया जाता है सरपंच को। एक्चुअली बेसिकली इट इज़ इलेक्टेड थ्रू इलेक्शन, बट ठीक है कोई नहीं। नाउ विलेज पंचायत तो होता ही है, लाइक डिफरेंट कास्ट का भी पंचायत रहता है, कास्ट पंचायत, जाति पंचायत, ये सब भी रहता है। जो पंचायत का काम रहता है ये रिलीजियस कस्टम्स को मेंटेन करना या फिर जो विलेज लोगों का हेल्प या फिर जो जो सरकारी काम से जैसे कि रास्ता बनाना या फिर क्या बोलते हैं पानी का समस्या, वो सब देखने का काम करता है पंचायत। और नेक्स्ट पॉइंट इज रिलीजन एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, लाइक कास्ट, फैमिली, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। रिलीजन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विलेज के सोशल स्ट्रक्चर में। ओके, शायद कुछ कुछ विलेज में अपने खुद के लोकल गॉड्स होते हैं जिनको वो लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं, जो कि उनके वर्शिप वो लोग मानते हैं उनके पास सुपर नेचुरल पावर्स है लाइक गॉड्स के पास। ओके, तो बहुत वो मायने रखता है विलेज में। और नेक्स्ट इज इकोनॉमिक सिस्टम, लाइक इकोनॉमिक सिस्टम को समझ में आ रहा है, प्रोडक्शन सिस्टम जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। रेमन फोर्ड ने बोला था सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर इंटर रिलेटेड एंड हैव अ म्यूचुअल रिलेशनशिप।
विदेश में, ऐसे मैंने बोला ये प्रत्येक ग्रुप प्रत्येक ऑक्यूपेशन करता है, तो प्रत्येक ग्रुप का प्रत्येक ऑक्यूपेशन की वजह से उनका जो सोशल स्टेटस है वो भी अलग रहता है। ओके, विलेज में फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होता है, जैसे कि एक जो धोबी होता है, धोबी का काम होता है कपड़ा धोना, लाइक नो अदर, लाइक आप किसी ब्राह्मण को कभी नहीं देखोगे कि वॉशिंग क्लॉथ करना, जो धोबी होता है उस जो धोबी कास्ट वाले लोग होते हैं वही कपड़े धोते हैं। ओके, विलेज में फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है, जैसे कि पूजा पाठ का काम ब्राह्मण ही करेगा, वैश्या जो है वो एग्रीकल्चर ही करेगा, ये सब स्पेशलाइजेशन है एक विलेज में। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्लोज नीट कम्युनिटीज। रूरल सोशल स्ट्रक्चर ऑफन इन्वॉल्व्स क्लोज नीट कम्युनिटीज वेयर इंडिविजुअल हैव स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद ईच अदर। तो जैसे कि आपको पता ही है रूरल सोसाइटी में क्या होता है, जो आसपास के जो लोग हैं उनके साथ जो सोशल स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, एक्सटेंडेड फैमिली नेटवर्क, फैमिली टाइज आर क्रूशियल इन रूरल एरियाज एंड एक्सटेंडेड फैमिली नेटवर्क प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सोशल इंटरेक्शन एंड सपोर्ट सिस्टम। जैसे कि जो फैमिली नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड एक्सटेंडेड फैमिली नेटवर्क, जैसे कि मामा, मामा का भाई, मामा का बुआ का लड़का, बुआ का लड़का का दोस्त, वो सब रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम के बेसिस पे काम करता है। ट्रेडिशनल वैल्यूज़, रूरल सोशल स्ट्रक्चर्स आर ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रेडिशनल वैल्यूज़ एंड कल्चरल नॉर्म्स दैट हैव बीन पास डाउन थ्रू जनरेशन। जैसे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ विलेज में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे कि आपको पता है कि शादी के बाद जो लाइक वाइफ होता है उसको घूमता देख के रहना पड़ता है, एंड इट्स गोइंग थ्रू जनरेशन जनरेशन वाइज। ओके, कम्युनिटी कॉपरेशन, रूरल कम्युनिटीज ऑफन रिले ऑन कोऑपरेटिव एफर्ट्स एंड म्यूचुअल सपोर्ट फॉर टास्क एंड एक्टिविटीज सच एज फार्मिंग, कंस्ट्रक्शन एंड कम्युनिटी इवेंट्स। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कम्युनिटी कॉपरेशन, कुछ फार्मिंग होता है या फिर कंस्ट्रक्शन होता है या फिर सो फसल काटना होता है, फिर सोचो कुछ विलेज में कुछ काम रहता है, व्हील बनाना या फिर कुछ भी बनाना, तो सब लोग एक साथ करते हैं। इनफॉर्मल सोशल नेटवर्क, इनफॉर्मल नेटवर्क सच एज नेबर एंड फ्रेंड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर सोशलाइजिंग एंड शेयरिंग रिसोर्सेज इन रूरल एरियाज। इनफॉर्मल सोशल नेटवर्क, हम फॉर्मल कौन होते हैं, लाइक फैमिली होता है, इनफॉर्मल नेबर्स होते हैं, जो पड़ोसी होते हैं, दोस्त होते हैं, वो लोग बहुत ही हेल्प करते हैं सोशलाइजिंग में एंड शेयरिंग रिसोर्सेज में। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, रूरल सोशल स्ट्रक्चर फॉस्टर अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड आइडेंटिटी विद इन द कम्युनिटी। तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है रूरल सोशल स्ट्रक्चर में। नाउ लेट्स कम टू इंटरकनेक्टनेस। ओके, रूरल कम्युनिटीज आर क्लोजली इंटरकनेक्टेड एंड इंडिविजुअल एक्शन एंड डिसीशन हैव बीन सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द होल। जैसे कि विलेज में अगर आप कोई भी डिसीशन लोगे ना, तो वो लोग पूरा विलेज को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कभी कोई विलेज का आप देखोगे, कोई बच्चा आईपीएस बन जाता है तो फुल विलेज खुश हो जाता है, लाइक फुल विलेज गर्व हो जाता है। फिर किसी विलेज का कोई ख़राब काम करता है तो फुल विलेज एकदम प्रेस्टीज के इशू में सफ़र करता है। शेयर एक्सपीरियंस, रूरल रेसिडेंट्स ऑफन शेयर कॉमन एक्सपीरियंस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, रूरल लाइवलीहुड, नेचुरल एनवायरमेंट विच हेल्प टू क्रिएट शेयर आइडेंटिटीज। विलेज में जो होता है सबका जो एक्सपीरियंस होता है, चाहे वो एग्रीकल्चर को लेके हो, नेचुरल एनवायरनमेंट के हो, तो सबका एक ही जैसा मतलब एक्सपीरियंस होता है, बिलीफ रहता है, तो इससे क्या होता है शेयर आइडेंटिटीज बहुत हेल्प होता है। लोकल लीडरशिप, लीडरशिप रोल्स इन रूरल कम्युनिटीज आर ऑफन फील विद इंडिविजुअल हु हैव गेन रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन विद द कम्युनिटी। लोकल लीडरशिप क्या है, जो कि विलेज में कोई आदमी रहता है जिसका थोड़ा पैसा रहता है, फिर जिसने कुछ पढ़ा लिखा होता है, उसको लीडर बना दिया जाता है, वो उसको लाइक थोड़ा उसको लीडर बना दिया जाता है, उसको बहुत पावर रहता है, उसका डिसीशन बहुत मैटर करता है लोकल या फिर रूरल एरियाज में। ओके, नाउ कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग इन रूरल एरियाज, कलेक्टिव डिफरेंट प्रोग्रेशन सच एज कम्युनिटी मीटिंग एंड इनफॉर्मल डिस्कशन आर ऑफन एम्प्लॉयड टू एड्रेस कम्युनिटी इश्यूज। जैसे कोई भी डिसीजन होता है रूरल एरियाज में, वो परिवार, जैसे कि सोचो किसी का डिवोर्स होने वाला है, ये पारिवारिक बात नहीं रहता है, ये पूरा मोहल्ला या फिर पूरा कम्युनिटी मिलकर डिसीजन करता है कि इसका डिवोर्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग टाइज टू लैंड, रूरल सोशल स्ट्रक्चर्स आर ऑफन डीपली कनेक्टेड टू द लैंड एज एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज प्ले अ सेंट्रल रोल इन रूरल लाइवलीहुड। तो लैंड के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, ये तो बेसिक पॉइंट है। एम्फसिस ऑन रेसिप्रोसिटी, रेसिप्रोसिटी एंड एक्सचेंज ऑफ फेवर्स, असिस्टेंस एंड इम्पॉर्टेंट वैल्यूज इन
और सोशल सोशल रूरल सोशल स्ट्रक्चर, जैसे कि कोई मेरा हेल्प कर रहा है मैं उसका हेल्प कर रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें चलता ही रहता है. इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल, ये तो शायद मैंने पहले भी बोल दिया है. नाउ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, रूरल सोशल स्ट्रक्चर फॉस्टर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड आइडेंटिटी विद द कम्युनिटी. इंटरकनेक्शन, ये तो रूरल कम्युनिटीज आर क्लोजली इंटरकनेक्टेड, कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहता है. शेयर, ये तो शायद मैंने पहले भी बोल दिया. एनीवेज, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिटी सेलिब्रेशन एंड इवेंट्स. रूरल एरियाज ऑफन हैव कम्युनिटी सेलिब्रेशन फेस्टिवल इवेंट्स दैट सर्व अ इम्पॉर्टेंट सोशल गैदरिंग एंड कल्चरल ट्रेडिशन. कोई भी कम्युनिटी सेलिब्रेशन होता है उसमें बहुत ज़्यादा लाइक लोग आ जाते हैं, कम्युनिटी के लोग भीड़ हो जाते हैं, लाइक सोशल गैदरिंग उसको बहुत इंपॉर्टेंट एंड कल्चरल ट्रेडिशन माना जाता है. लिमिटेड मोबिलिटी, जैसे कि अगर आप देखोगे तो अर्बन एरियाज में मोबाइलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. एक जो बस कंडक्टर का बेटा चाहे तो पुलिस ऑफिसर बन सकता है, बट विलेज में बन सकता है, बट मोबाइलिटी थोड़ा लिमिटेड है कंपेयर टू लाइक अर्बन एरियाज. यहाँ पे क्या लिखा है देख लेते हैं. कंपेयर टू अर्बन एरियाज, रूरल सोशल स्ट्रक्चर मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाई लिमिटेड मोबिलिटी विद फ्यूर अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रैवल एंड इंटरेक्शन विद आउटसाइड कम्युनिटीज. जैसे कि यहाँ पे लोग बहुत कम इंटरेक्ट करते हैं, फिर बाहर जाते हैं अपने गाँव से, तो मोबिलिटी नहीं हो पाता. ओके, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, ये तो मैंने पहले ही बोल दिया. जैसे कि जो डिसीजन होता है वो कलेक्टिव वे में लिया जाता है. और नेक्स्ट इज इंटरजनरल रिलेशनशिप. जैसे कि यंगर एंड ओल्डर जो मेंबर्स होते हैं उनके साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. ओके, विलेज में लाइक जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके साथ बच्चों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. कम्युनिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशन, रूरल एरियाज ऑफन हैव कम्युनिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशन सच एज चर्चेस, स्कूल्स, लोकल ऑर्गेनाइजेशन. दे सर्व एज इम्पॉर्टेंट सोशल हब. ओके, तो ये सब भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है विलेजेस में, चार्जेस एंड स्कूल, क्योंकि यहाँ पे लोग आके इंटरेक्शन करते हैं एंड ऑल. यहाँ पे क्या है, रिसाइलेंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी. रूरल सोशल स्ट्रक्चर ऑफन एम्फसाइज रिसाइलेंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी एज कम्युनिटीज रिलाई ऑन ईच अदर ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम्स एंड हैव एंड मे हैव लिमिटेड एक्सेस टू एक्सटर्नल सोर्सेज. ओके, नाउ क्या होता है, विलेज में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, चाहे वो बाढ़ आ गया, फिर किसी का घर जल गया, तो सब लोग ये सब डिफरेंट डिफिकल्ट टाइप में एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा रिले रहते हैं कि यार सोचो इसके घर में पानी नहीं आ रहा है, भाई तेरे घर से पानी दे दे. बट अगर आप शहर में देखोगे ना, ये सब आप नहीं कर पाओगे. आपको कर तो कर सकते हो बट आप करते नहीं हो, क्योंकि आपको पता है बिलोंग, क्योंकि हम लोग बिलोंगिंग नहीं फील करते उन लोगों से. ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है. नेक्स्ट पॉइंट है किंगशिप सिस्टम. किंगशिप सिस्टम फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ रूरल सोशल स्ट्रक्चर. ओके, they define relationship between individual based on biological or maternal ties and regulated social obligation, inheritance and authority. किंगशिप सिस्टम, जो बॉन्ड्स हम लोगों का लाइक बायोलॉजिकली मैटरनिटिकली होता है उसको हम लोग किंगशिप सिस्टम के लाइक जो कि मम्मी के साइड के फिर फैमिली मेम्बर है उनके साथ हम लोग का जो बॉन्ड रहता है उसको हम लोग बोलते हैं. इन रूरल एरियाज किंगशिप टाइज आर ऑफन स्ट्रॉन्ग एंड एक्सटेंडेड फैमिली नेटवर्क प्लेज एंड सिग्निफिकेंट रोल इन डेली लाइफ. जैसे कि फैमिली बॉन्ड्स जो है या फिर जो किंगशिप टाइज है फिर किंग टाइज है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोगों के डेली लाइफ में. और ये सब हम लोगों के डिसीशन मेकिंग या फिर रिसोर्स शेयरिंग पे इन्फ्लुएंस कर सकते. ओके, नेक्स्ट इज कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन. कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इन रूरल एरियाज ऑफन रिवॉल्व्स अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ विलेज और अ स्मॉल टाउन. द कम्युनिटीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेंस ऑफ शेयर आइडेंटिटी, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड म्यूचुअल सपोर्ट. विलेज काउंसिल एंड कम्युनिटीज में एक्जिस्ट टू एड्रेस लोकल इशूज, एलोकेट रिसोर्स एंड मेंटेन सोशल ऑर्डर. ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट सच एज ट्राइबल काउंसिल ऑफ रिलीजियस लीडर में ऑल्सो प्ले अ रोल इन कम्युनिटी डिसाइडिंग मेकिंग. ओके, तो ये जो मैंने पहले इतना देर से मैं बोल रही थी, कम्युनिटी बहुत हम लोगों का हेल्प कर, मतलब बहुत इंटरफेयर करता है हम लोग के डिसीशन मेकिंग, म्यूचुअल सपोर्ट में, जो कि मैं पहले इतना देर से मैं बोल रही थी. यही सब पॉइंट है, घुमा फिरा के देखो कि कम्युनिटी बहुत मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है रूरल सोशल स्ट्रक्चर में. लाइक कम्युनिटी जो है ना, हम लोग के रूरल स्ट्रक्चर को इतना इन्फ्लुएंस करता है, चाहे वो हम लोग का लाइफ स्टाइल हो जाए, एग्रीकल्चर हो जाए, सोशल हो जाए, एवरीथिंग को इन्फ्लुएंस करता है. ओके,
Now, social hierarchy. Rural social structure often exhibits hierarchy based on factors such as wealth, land ownership, social structure. Wealthy landowners or small scale farmers may hold significant power and influence within the community. तो social hierarchy जैसे कि rural society में क्या है, wealth, land ownership and social structure बहुत matter करता है. चाहे वो wealthy landowner हो जाए, large scale farmer, वो लोग बहुत significant power community में hold करते हैं. Okay, those hierarchy can shape social relationship, access to reach, opportunity and mobility. तो ये सब जो लैंड ओनर्स है या फिर जो रिच फार्मर्स है वो हम लोग के अपॉर्चुनिटीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. हाउएवर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट रूरल कम्युनिटीज ऑल्सो वैल्यू प्रिंसिपल ऑफ इगलेटेरियन एंड रेसिपोजी विच कैन काउंटेबल एंड सोशल हायरार्कीज. ओके, नाउ जेंडर रोल्स. तो यहाँ पे जो रूरल एरियाज है वहाँ पे जेंडर रोल हम लोग का बहुत स्ट्रांग है. वोमेंस जो है उनको रोल दिया जाता है चाइल्ड केयर, एग्रीकल्चर के स्मॉल एक्टिविटीज़ बस वहाँ की. अगर आप मर्दों को देखो वहाँ उनको लाइक बड़े टास्क दिया जाते हैं जैसे कि फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, कम्युनिटी लीडरशिप. हाउएवर दोज रोल्स आर नॉट फिक्स एंड जेंडर डायनेमिक वेरी अक्रॉस रूरल कॉन्टेक्स्ट. बट कुछ कुछ विलेज में क्या होता है जेंडर रोल्स डिफरेंट रहते हैं. कभी कभी इंडिया में शायद साउथ के रीजन में आपको मैट्रियार्कल विलेज भी दिखा जाएगा जहाँ पे जो वुमेंस का रोल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू मैन. ओके, सोशल हायरार्की ये जो वाला पॉइंट है ये वाला मैं इतना देर से समझा रही थी फिर भी आप एक बार इसको पढ़ लेना. ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज एजुकेशनल एंड हेल्थ सिस्टम. रूरल सोशल स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस बाय एजुकेशन एंड हेल्थ सिस्टम. एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज मे बी लिमिटेड इन रिमोट एरियाज. जैसे आपको पता है रूरल एरियाज में क्या होता है एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज बहुत कम मिला जाता है, लाइक बहुत ही कम होता है, लीडिंग टू डिस्पर्टीज इन अपॉर्चुनिटीज एंड आउटकम. इसके कारण क्या होता है लोग अच्छे से एडुकेट नहीं हो पाते तो उनको अच्छा जॉब नहीं मिल पाता है. फिर हेल्थ फैसिलिटीज के बारे में आप देखोगे तो विलेज में लोग मर जाते डिजीज के, मतलब उनको डिजीज का वो लोग चिकित्सा क्या बोलते हैं हिंदी में लाइक ट्रीट नहीं कर पाते इसलिए वो लोग को डेथ हो जाता है. स्कूल एंड हेल्थ क्लिनिक्स ऑफन सर्व एज अ फोकल पॉइंट फॉर कम्युनिटी एक्टिविटीज एंड कैन कंट्रीब्यूट टू सोशल कोहेंशन. इन सब केसेस कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव मे बी एस्टैब्लिश टू एड्रेस गैप इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सिस्टम. तो यहाँ पे जो काम किया जा रहा है एजुकेशन एंड हेल्थ सिस्टम पे बट स्टिल इट्स लैकिंग समवेयर. आप देखोगे तो विलेज का एजुकेशन सिस्टम एंड हेल्थ केयर सिस्टम इज नॉट स्ट्रॉन्ग. Now the next point is migration and social change. Migration from rural areas to urban centers or the other countries can significantly impact rural social structure. Out migration, particularly among young people, can lead to change in demographic composition and social dynamics and of rural communities. जैसे कि भी पता है वर्क के लिए क्या होता है विलेज के जो लोग होते हैं फिर रूरल एरिया के जो लोग होते हैं वो अर्बन एरियाज में या फिर थोड़े शहर में या फिर थोड़े दूसरे कंट्रीज में चले जाते हैं. तो उसके बेसिस में क्या होता है जो रूरल एरिया का जो सोशल स्ट्रक्चर है या फिर जो पॉपुलेशन डायनेमिक्स है वो चेंज हो जाता है, उससे थोड़ा इफेक्ट पड़ता है. ओके, इट मे ऑल्सो इफेक्ट द डिवीजन ऑफ लेबर, एक्सेस टू रिसोर्स एंड द कॉन्टिन्यूटी ऑफ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस. क्या होता है उसके कारण विलेज में ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा रह जाते तो वहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर थोड़ा हड़बड़ा जाता है या फिर एक्सेस टू रिसोर्सेज का प्रॉब्लम होता है. ओके, एडिशनली रिटर्निंग माइग्रेंट में इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज़ एंड स्किल कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू सोशल चेंज विद रूरल एरियाज. या फिर जो लोग शहर से आते हैं वो आके विलेज में न्यू आइडियाज स्किल्स जिससे कि सोशल चेंज हो जाता है विलेज में. ओके, विलेज का जो ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा इफेक्ट होता है. ओके, नाउ चेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज. रूरल सोशल स्ट्रक्चर फेस वेरियस चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज इन द मॉडर्न एरा लाइक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन. इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. ओके, अभी के टाइम पे क्या हो रहा है इतना ज़्यादा लाइक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इसके कारण क्या हो रहा है जो रूरल इकोनॉमी है उसके साथ कॉप अप नहीं कर पा रहा है. ओके, नाउ द ट्रेडिशनल जो हम लोग का ऑक्यूपेशन है चाहे वो क्या बोलूँ मैं मिट्टी का पॉट्स या फिर सिला हुआ चीज़ें वो सब पीछे पड़ जा रहा है ट्रेडिशनल वर्क्स. ओके, द इंडस्ट्रीज आर ओवरटेकिंग ऑल दिस. तो इससे विलेज का जो सोशल स्ट्रक्चर है या फिर जो लाइफस्टाइल इकोनॉमिक लाइफस्टाइल पे सब कुछ इन्फ्लुएंस हो रहा है. तो आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. कुछ भी डाउट्स है कहीं भी मैंने गलत, क्योंकि देखो गाइस मुझे पता है मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाई क्योंकि बात यह कि मुझे बहुत हड़बड़ी में करना पड़ रहा है क्योंकि पॉइंट्स इतना ज़्यादा है प्लस
सभी पॉइंट्स थोड़ा कहीं ना कहीं एक ही लग रहा है मुझे, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। बट कहीं पे भी आपको कुछ गलत लगा है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देना चाहते हो, फिर मुझे करेक्ट करना चाहते हो, ऑल्सो डू लेट मी नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइज़।